In this video, we are going to discuss section 6 of Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Section 6 of Hindu Minority and Guardianship Act basically talks about natural guardian of a Hindu minor. Natural guardian of a Hindu minor. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल गार्जियन के बारे में और फिर हम समझेंगे कि माइनर का मतलब क्या होता है और इन दोनों वर्ड्स को समझने के बाद हम ये समझेंगे कि एक हिंदू माइनर के रिस्पेक्ट में उसका नेचुरल गार्जियन कौन हो सकता है. राइट, इन सिंपल वर्ड्स माइनर मींस एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज. कोई व्यक्ति जिसने अभी तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वो बेसिकली क्या है, माइनर है. राइट, नेचुरल गार्जियन मीन्स वॉट. जब हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के सेक्शन 4 को देखते हैं जो कि बेसिकली डेफिनेशन सेक्शन है, तो जब आप सेक्शन 4 के क्लॉज सी को देखोगे तो इसमें कहा गया है कि नेचुरल गार्जियन से हमारा मतलब उस गार्जियन से है जो कि मेंशन्ड है इसी पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 6 में. राइट, तो नेचुरल गार्जियन कौन है? तो सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के प्रोविजंस में जिन पर्सन्स को नेचुरल गार्जियन माना गया है किसी हिंदू माइनर के रेस्पेक्ट में, वही पर्सन्स क्या है, नेचुरल गार्जियन है. तो गार्जियन कौन है सबसे पहले समझ लेते हैं. हु इज अ गार्जियन, यानी संरक्षक, इसे आप प्रोटेक्टर भी कह सकते हो या केयर टेकर कह सकते हो. प्रोटेक्टर और केयर टेकर ऑफ अ हिंदू माइनर इज हिज और हर गार्जियन. राइट, नाउ प्रोटेक्टर या केयर टेकर किस रिगार्ड में? तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में. उस माइनर के पर्सनल प्रॉपर्टी का जो केयर टेकर है वो उसका गार्जियन है, एज वेल एज उस माइनर के बॉडी का जो केयर टेकर है, जो प्रोटेक्टर है, वो गार्जियन है. तो गार्जियन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 4 क्लॉज बी ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट. राइट, इसमें कहा गया है कि गार्जियन मीन्स यानी संरक्षक से हमारा मतलब उस व्यक्ति से है हु इज हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ माइनर. तो यहां पर पर्सन ऑफ माइनर मीन्स माइनर के बॉडी का जो ख्याल रखता हो, क्योंकि वो तो माइनर है, ही इज और शी इज लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज, तो वो खुद का केयर अच्छे से नहीं कर सकता है या अच्छे से नहीं कर सकती है. तो एक पर्सन जो किसी माइनर के बॉडी का केयर करे, उसे प्रोटेक्ट करे, एज वेल एज उसके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, वो गार्जियन है. एंड इट इंक्लूड्स, और इसमें ये लोग आते हैं एज अ गार्जियन. सबसे पहले कहता है नेचुरल गार्जियन. तो नेचुरल गार्जियन कौन होगा अभी हम समझेंगे सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में.
तो गार्जियन में नेचुरल गार्जियन आएगा। दूसरा, गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ माइनर्स फादर और मदर, उस माइनर के फादर या मदर के द्वारा बाय विल अगर किसी पर्सन को गार्जियन के तौर पे अपॉइंट किया जाता है तो वो भी गार्जियन के कैटेगरी में आएगा। तीसरा, गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट, उस पर्सन को भी हम उस माइनर का गार्जियन मानेंगे जिसे कोर्ट एज अ गार्जियन अपॉइंट करेगी कंसिडरिंग द वेलफेयर ऑफ दैट माइनर। और लास्ट कहता है, अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी इनएक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वॉर्स, कोई पर्सन जो किसी एक्ट में गार्जियन के तौर पे उसे अथॉरिटी मिली है या कोर्ट ऑफ वॉर्स एक्ट में कोई इनएक्टमेंट किया जाता है और उसमें किसी पर्सन को गार्जियन के तौर पे बताया जाता है तो वो पर्सन भी गार्जियन होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी माइनर। तो गार्जियन कौन होगा, तो ये चार कैटेगरीज जिसे हमने अभी पढ़ा, राइट। आई होप कि गार्जियन जो वर्ड है वो आपको समझ में आ गया होगा, यानी एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली माइनर के पर्सनल बॉडी और उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है वो गार्जियन है। नाउ नेचुरल गार्जियन कौन है, तो कहता है सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर, एक हिंदू माइनर का जो नेचुरल गार्जियन होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, उस माइनर के बॉडी के रिस्पेक्ट में एज वेल एज उस माइनर के प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो नेचुरल गार्जियन होगा। आगे कहा गया है एक्सेप्ट his or her undivided interest in joint family property, तो किसी माइनर के पर्सन यानी उसके बॉडी एज वेल एज उसके प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम यहां उस प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उस माइनर का, तो हियर वी आर एक्सक्लूडिंग undivided interest of Hindu minor in his or her joint family property. तो उसका जो joint family property है उसमें उसका जो undivided interest है उस property को छोड़ करके बाकी जो भी properties हैं और उसके body के respect में जो नेचुरल गार्जियन होगा, इसमें पहला जो कंडीशन है वो कहता है इन द केस ऑफ अ बॉय और एन अनमैरिड गर्ल, किसी लड़के के केस में या किसी अविवाहित लड़की के केस में नेचुरल गार्जियन सबसे पहले पिता होगा, एंड आफ्टर हिम द मदर, और पिता के बाद नेचुरल गार्जियन कौन होगा, मदर होगी। Provided that the custody of a minor who has not completed the age of 5 years, आगे कहता है कि एक minor जिसने अभी तक 5 years of age complete नहीं किया है, जब हम उसके custody के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले उसकी custody किसके पास होगी, mother के पास होगी, shall ordinarily be with mother, right? तो कोई माइनर, फिर चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, जिसने अभी 5 years ऑफ एज कंप्लीट नहीं किया है, जब हम उसके कस्टडी के बारे में बात करेंगे तो किसके पास होगा, मदर के पास होगा। आगे, इन द केस ऑफ एन इललेजिटिमेट बॉय और एन इललेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल द मदर एंड आफ्टर हर द फादर, इललेजिटिमेट चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड
हु इज नॉट बोर्न आउट ऑफ वैलिड वेडलॉक, जो कि एक वैध विवाह से संपन्न, जो कि एक वैध विवाह से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो चाइल्ड क्या है? इललेजिटिमेट है। तो इललेजिटिमेट बॉय और इललेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल के केस में नेचुरल गार्जियन कौन होगा? उसकी मदर होगी और उसके बाद फादर, राइट। फिर कहता है इन द केस ऑफ मैरिड गर्ल, मैरिड गर्ल के केस में उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? हस्बैंड होगा। आगे प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन ए इफ ही हैड सीज्ड टू बी अ हिंदू। तो इस एक्ट के सेक्शन 6 के प्रोविजंस के तहत उस पर्सन को हम माइनर के रिस्पेक्ट में नेचुरल गार्जियन नहीं मानेंगे। ए इफ ही हैड सीज्ड टू बी अ हिंदू, यदि वो हिंदू नहीं है। आगे जो प्रोविजो है वो ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू एक्ट एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन के तहत हम उस पर्सन को किसी माइनर के रिस्पेक्ट में नेचुरल गार्जियन नहीं मानेंगे। पहला, इफ ही हैड सीज To be a Hindu, अगर वो अब हिंदू नहीं रहा है by religion. दूसरा, if he has completely and finally renounced the world by becoming a hermit, यदि वो इस संसार का त्याग कर चुका है और वो एक सन्यासी हो चुका है, तो उसे भी हम natural guardian नहीं मानेंगे। तो कौन पर्सन है जिसे हम नेचुरल गार्जियन नहीं मानेंगे? पहला, इफ ही हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू, यदि वो हिंदू नहीं है बाय रिलीजन, या पहले वो हिंदू था लेकिन अब वो कन्वर्ट हो गया है किसी अदर रिलीजन में, तो वो इस एक्ट के सेक्शन 6 के प्रोविजंस के तहत किसी माइनर का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जाएगा। और दूसरा, यदि किसी पर्सन ने इस संसार का त्याग कर दिया है और अब वो सन्यासी हो चुका है, तो वो भी नेचुरल गार्जियन नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन सेक्शन ये कहता है इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर टू नॉट इंक्लूड अ स्टेप फादर एंड स्टेप मदर, तो इसमें हम स्टेप फादर और स्टेप मदर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट। अब नोट्स में आइए, क्या कहता है? विथ रिगार्ड टू अ पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू माइनर द नेचुरल गार्जियन वुड बी फादर एंड इन हिज एब्सेंस द मदर वुड बी नेचुरल गार्जियन। तो जब हम किसी माइनर के बारे में बात करेंगे तो उसका नेचुरल गार्जियन सबसे पहले उसका फादर होगा और उसके बाद उसकी मदर होगी। While in case of married minor girl, किसी married minor girl के केस में husband would be natural guardian. Natural guardian कौन होगा? Husband होगा। This concept provided under Hindu law recognizes the marriage of minors when it is laid down that husband would be natural guardian of a married girl under section 6 clause C, since the major requires no guardian. Therefore, married girl implies married minor girl. तो यहां पर बेसिकली ये कहा गया है कि ये जो वर्ड हमने ऐड किया है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का सेक्शन 6 क्लॉज सी, जो कहता है, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि इन द केस ऑफ मैरिड गर्ल हस्बैंड, किसी मैरिड गर्ल के केस में हस्बैंड क्या है? उसका नेचुरल गार्जियन है। अब देखिए, अगर
जो गर्ल है वो मेजर है, तो सी रिक्वायर्स नो गार्जियन, वो एबल है खुद का और खुद की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में, केयर करने में। तो यहां बेसिकली जिस मैरिड गर्ल के बारे में बात किया जा रहा है वो है मैरिड माइनर गर्ल। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है कि इन केस ऑफ मैरिड माइनर गर्ल द हस्बैंड वुड बी नेचुरल गार्जियन, ये कहीं ना कहीं माइनर मैरिजेस को प्रमोट करता है, माइनर मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ समझाया और बेयर एक्ट के एवरी लाइन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप अपना टाइम मेरे वीडियोस पर स्पेंड कर रहे हो तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट आप पाओ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।